नेताओं को संसद से निकाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे, शरीक होना। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। एक खास तौर से मैंने दो तीन शेर कहे हैं, मैं अर्ज करना चाहता हूं, इस मीडिया के सामने कहना चाहता हूं, इससे खूबसूरत दलील, इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है। जब शरीयत पर अटैक होता है तो हम खामोश, शरीयत पर अटैक होता है तो हम खामोश, तीन तलाक का जिक्र होता है हम उस पर भी खामोश, धारा 370 हटती है हम उस पर भी खामोश, यहां तक कि बाबरी मस्जिद का फैसला आता है हम उस पर भी खामोश, लेकिन जब इस मुल्क के संविधान को छेड़ा गया तो हम पर खामोश नहीं रहा गया। ये इस मुल्क से मोहब्बत करने की इससे बड़ी दलील नहीं हो सकती है। मैं आपके साथ दो तीन शेर शेयर करना चाहता हूं, मेरे साथ आप पढ़ देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। है जामिया का यही नारा, है संविधान जा से प्यारा, बाबा तो बुलंद पड़े, है जामिया का यही नारा, बोला है संविधान जा से प्यारा, मीडिया मुझे ना दिखाए इनको दिखाए, है जामिया का यही नारा, है संविधान जा से प्यारा, है संविधान जा से प्यारा, वतन के हिंदू मुसलमान को अब जगाना है, वतन के हिंदू मुसलमान को अब जगाना है, अगली लाइन की हिफाजत करना, वतन के हिंदू मुसलमान को अब जगाना है, गुरूर खाक में हिटलर तेरा मिलाना है, वतन के हिंदू मुसलमान को अब जगाना है, गुरूर खाक में हिटलर तेरा मिलाना है, गुरूर खाक में हिटलर तेरा मिलाना है, हर एक शख्स ने पुकारा है संविधान जा से, बाबा तो बुलंद बोले, है संविधान जा से प्यारा, है संविधान जा से प्यारा, नदी विकास की हम मुल्क में बहाएंगे, नदी विकास की हम मुल्क में बहाएंगे, कभी कहा था कि हम काला धन भी लाएंगे, कभी कहा था कि हम काला धन भी लाएंगे, है झूठा हर तुम्हारा नारा, है संविधान जा से प्यारा, है संविधान जा से प्यारा। और अक्सर हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, बेशक बेशक हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अपने गृह मंत्री जी से कि हिंदुस्तान का मुसलमान आपसे डरता भी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। लाइन पढ़ना चाहता हूं, है संविधान जा से प्यारा, सिवा खुदा से किसी से भी हम नहीं डरते, सिवा खुदा हम नहीं डरते, सिवा खुदा के किसी से भी हम नहीं डरते, जो संविधान वतन का है उस पे है मरते, जो संविधान वतन का है उस पे है मरते, हर एक शख्स ने पुकारा है संविधान जा से प्यारा, है संविधान जा से प्यारा, है संविधान जा से प्यारा, सुनना खास तौर से, है संविधान जा से प्यारा। बहुत शुक्रिया। एक शेर और पढ़ना चाहता हूं, है जा से
है संविधान जैसे प्यारा। आपकी कमजोर समातें, आपकी कमजोर दुआएं मुझे कमजोर करेंगी। शरीक होना। जो ख्वाब हमको मिटाने के देखते हो तुम भाई मास, जो ख्वाब हमको मिटाने के देखते हो तुम, हमेशा हमको भगाने की सोचते हो तुम। हम कहां जाएं? आप जहां भेजने की बात करते हो, मुल्क आजाद होने के बाद सबसे पहले उस इस्लामी मुल्क को एक्सेप्ट तो हम ही ने नहीं किया। हमारे पास मौका था, लेकिन हमने उसी वक्त फैसला किया था हमारे बुजुर्गों ने, हमें वहां रहना है जहां हमारे हमने उसी वक्त फैसला किया था। आप लड़ाई यकीनन जीतेंगे, क्योंकि आपकी लड़ाई आप तन्हा नहीं खड़े हो, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। पेश करता हूं, है संविधान जैसे प्यारा, जो ख्वाब हमको मिटाने के देखते हो तुम, जो ख्वाब हमको मिटाने के देखते हो तुम, हमेशा हमको भगाने की सोचते हो तुम, हमेशा हमको भगाने की सोचते हो तुम। तो सुन लो, मुल्क है हमारा, वतन है हमको जैसे प्यारा, वतन है हमको जैसे प्यारा, वतन है हमको जैसे प्यारा, वतन है हमको जैसे प्यारा। बहुत शुक्रिया। खास तौर पर आप अगर तालियां बजाना चाहते हैं जोरदार, इन बहनों के लिए जोरदार ताली बजाइए, एक बार जोरदार ताली मेरे लिए नहीं, मेरी इन बहनों के लिए बजाइए। बहुत शुक्रिया। मैं खास तौर से मैंने दो शेर इन अपनी बहनों के लिए कहे हैं। मैं शायर हूं, मेरे शायर के पास आपके शेर और शायरी के अलावा क्या हो सकता है? सुनेगा, एक नजर में आपका आला मकाम है, एक नजर में आपका आला मकाम है, हर आदमी के दिल में बड़ा एहतराम है। मैं सोता भी हूं तो वो तस्वीर नहीं भूलता। एक मेरी बहन खड़ी है शेरनी की तरह, वो तस्वीर नहीं भुलाई जा सकती। मैं उसको तो चार लाइन में उस बहन के लिए पढ़ता हूं, यानी कि आप सबके लिए पढ़ता हूं। सुनिएगा, खास तौर से पेश करता हूं। एक नजर में आपका आला मकाम है, हर आदमी के दिल में बड़ा एहतराम है, करते हैं नाज आप पर हम हिंद के, करते हैं नाज आप पर हम हिंद के अवाम, करते हैं नाज आप अवाम, ए जामिया की बेटियों तुमको सलाम है, जामिया की बेटियों तुम। सुना, मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है सौ सौ बार, मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है सौ सौ बार। एक लाइन जो इस वक्त सबसे जरूरी है, और मैं चाहता हूं मीडिया यहां मौजूद नहीं है, जो भी यहां मीडिया में उसको सैल्यूट करता, हमारा सच ही तो नहीं परोसा जा रहा है। आप एक लाइन पहुंचा दें जो मेरे मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत है, और जामिया मिलिया के गेट से आइए लाइन जाए, मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है सौ सौ बार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। तालियां कमजोर है, एक बार दोनों हाथ से सोता तालियां में मिलता ही। एक हिंदुस्तानी मुसलमान आपके सामने दो तीन लाइन पेश करता है, खासतौर से भाई के हौसले को सलाम करता हूं। किस तरह से मैनेज किया मैं अंदाजा लगा सकता हूं। मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है सौ सौ बार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। सुनना, देश में आखिर क्यों आई है इस दर्जा ये मंदी, इस दर्जा ये मंदी। दूसरी लाइन पे आपके हाथ खुले, देश में आखिर क्यों आई है इस दर्जा ये मंदी, जाइए मंदी। इसका कारण है जो आपने की थी नोट की बंदी। आपको मुद्दों पर बात करना है, आपको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ मुद्दों से गुमराह किया जा रहा है।
आपको मुद्दे याद रखिए, यहां मैं खड़े होकर तकरीर करके चला जाऊं, शेष वक्त मकसद अल्लाह हो, ये मुद्दे पहुंचाइए वहां जो मुद्दे उठाना आपके जानते हैं। सुनना, मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है सौ सौ बार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार, देश में आखिर क्यों आई है इस दर्जा ये मंदी, इस दर्जा ये मंदी, इसका कारण है जो आपने की थी नोट की बंदी, की थी नोट की बंदी, वेंटिलेटर पर आ पहुंचा देश का कारोबार, वेंटिलेटर पर आ पहुंचा देश का कारोबार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार, अर्थव्यवस्था। और सुनना, और जो लोग पीछे खड़े वो शरीक हो जाए, अच्छे दिन आने वाले हैं, नारे कहां पे खो गए, एक भी भाई इस भीड़ में उसको लगे मेरी एक भी लाइन गलत है झूठी है तो हाथ उठाकर मुझे रोक दे, अच्छे दिन आने वाले हैं, नारे कहां पे खो गए, नारे कहां पे खो गए, अमरीका छोड़ो हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, अच्छे दिन आने वाले। जो आप टीवी पर हाशिम फिरोजाबादी देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, वो झूठा है, असली यही है जो आपके सामने खड़ा है। मैं बहस्ते तालमेल अलीगढ़ मुस्लिम वस्ती हाजिर हुआ हूं, अगर आपके लिए तो अलीगढ़ मुस्लिम वस्ती या PHU का छात्र नहीं आएगा तो आएगा कौन आपकी हिमायत में। मैं BHU के भी दुआएं करता हूं, जो BHU के तलबा छात्र हमारे साथ है, हमको खैर मक्तम करते, उन्होंने हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझा। मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है सौ सौ बार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा, अच्छे दिन आने वाले हैं, नार कहां पे खो गए, खो गए, अमरीका छोड़ो हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, देश से पीछे हो गए। एक साहब है, एक साल में अपने बिजनेस में 16,000 करोड़ का फायदा कर रहा, नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाएंगे, लेकिन अगर मेरा अगले मिसरे पर आप सही मेरे नाम पेश कर दो तो कोई हाथ खामोश न बैठे, मेरी तारीफ करे, अच्छे दिन आने वाले हैं, नारे कहां पे खो गए, नारे कहां पे खो गए, अमरीका छोड़ो हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, देश से पीछे हो गए, छोटू भैया से तुम जाकर मिल लो बस एक बार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा, आप पढ़े, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा, जाति धर्म राजनीति से दिल्ली जल्दी जागे, दिल्ली जल्दी जागे, जाति धर्म की राजनीति से दिल्ली जल्दी जागे, दिल्ली जल्दी जागे, नीरव मोदी विजय माल्या देश से कैसे भागे, हम शायर हैं, हमें कांग्रेस ही ना समझा जाए, इस अवाम को किसी को ना, हमें सिर्फ और सिर्फ एक तरफा बात देखना, हमें देश को जोड़ना है, शरीक होना, अच्छे दिन आने वाले हैं, नारे कहां पे खो गए, कहां पे खो गए, अमरीका छोड़ो हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, देश से पीछे हो गए, छोटू भैया से तुम जाकर मिल लो बस एक बार, अर्थव्यवस्था पर भी सुनिएगा, जाति धर्म की राजनीति से दिल्ली जल्दी जागे, दिल्ली जल्दी जागे, नीरव मोदी विजय माल्या देश से कैसे भागे, देश से कैसे भागे, चौकीदारी खूब
भाई महरे चौकीदार। चौकीदारी खूब निभाई महरे चौकीदार। एक मिनट और अपनी जगह लेता हूं। है मेरा झूठ का कारोबार, आपकी आवाज उनके कानों तक पहुंच जाए जिनके लिए मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन मीडिया के जो मेरे लोग भाई खड़े हैं, ये मेरा उनके लिए है जो हमारी आवाज को दाब रहे हैं। खास तौर सुनना। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, कि मैं एक पत्रकार हूं, कि मैं एक पत्रकार हूं, कि मैं एक पत्रकार हूं। सुनना, तुम्हारा दर्द पेश करता हूं। मैं सच को झूठ बनाता हूं। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, कि मैं एक पत्रकार हूं, कि मैं एक पत्रकार हूं। मैं सच को झूठ बनाता हूं, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूं, मैं सच को झूठ बनाता हूं, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूं, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूं, मैं सब धर्मों। हर लाइन पे जुड़ जाए। मैं सच को झूठ बनाता हूं, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूं, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूं, मैं पब्लिक को उकसाता हूं, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूं। वो टीवी चैनल या अखबार, वो टीवी चैनल या अखबार, सरासर झूठ का है प्रचार।